रुको जरा, सबर करो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जी, वीडियो है आज की दराज के ऊपर और न्याज के ऊपर। मतलब न्याज था कज़न के घर में, तो वहाँ पे भी जाना था, तो बस दोनों की वीडियो आज शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी, यही मेरा कज़न अपनी बहन को बुला रहा था कि जल्दी से आज रहा नहीं जाता, जल्दी से आ जाओ ताकि हम न्याज की शुरुआत करें, बांटें लोगों में। और यहाँ पे बेचारी को भूख लग रही थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो जी, गुड़िया ने बोला कि बाबा मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे निकाल के दे। तो गुड़िया को हमने निकाल के दिया गुड़िया का हिस्सा, और उसके बाद जो है हमने शुरुआत की बांटने की। बांट रहे थे प्लेटें भर भर के, सबको दी, गली मोहल्ले में ये वगैरह जैसे बांटा जाता है। अपना हिस्सा ले लिया, और वो भी कोई छोटा सा बर्तन नहीं था। A few inches later, और मौसम भी इतना मजे का था ना कि आपकी सोच है यार, इतना कोई मजा आ रहा था ना मौसम। तो बहरहाल चावल मेरी प्लेट में आ गए और मेरी और मेरी भाभी ने खाए। तो जी, बारी आ गई थी चूरी की, जो कि रोटी की चूरी होती है, बहुत मजे की होती है ये भी, और ये भी सबको बनानी आती है, ईजी होती है इसकी रेसिपी। और जी, बारिश हो गई, बहुत मज़े हो गए, और बारिश के साथ चाय ना हो तो फिर बात तो नहीं बनती ना। ठीक है जी, तो चाय मैंने पी ली और यही ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।